हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं, जो है आप लोग को दिखाएंगे जो है पवन सिंह का घर, तो जो कि अंधेरी से हमें जाना पड़ेगा। तो अभी यहां से चलेंगे हम, ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे अंधेरी से हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी मैं जो है आ गया हूँ जहाँ पे पवन सिंह और पारखी हेगड़े जी रहती हैं। पारखी हेगड़े जी के बारे में बताता हूँ, पहले जब निरहुआ रिक्शा वाला और उस टाइम के जो निरहुआ जी की मूवी आती थी, तो उनके साथ में, निरहुआ जी के साथ में वो काफ़ी मूवियों में उन्होंने काम किया है। और यहाँ जो है मैं स्क्रीन पर उनका फ़ोटो वगैरह लगा दूँगा। तो इसी बिल्डिंग में आपको, आप लोग को दिखाते हैं ये पीछे, ये देखिए कितनी बड़ी से अभी बैक कैमरे से आप लोग को दिखलाएंगे। तो इसी बिल्डिंग में जो है पवन सिंह जी और पारखी हेगड़े जी यहाँ पे रहती हैं। और आप जो है अंधेरी से बस वाले से बोलोगे मुझे जो है बीरा रोड जाना है, तो ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये यही स्टॉप है, लास्ट स्टॉप पे आप लोग को लाके उतार देगा और सीधा उसके पीछे ही जो है देख सकते हो पवन सिंह जी का कितना बड़ा बिल्डिंग है। अभी आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी जो है बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोग को। और यही जो है इसका लास्ट स्टॉप है बस का, आप जो है अंधेरी से पकड़ोगे 254 नंबर का, सीधा आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही वो बिल्डिंग है जिसमें हमारे पवन सिंह जी रहते हैं। और इस बिल्डिंग का जो नाम है सेरेंटो, ये देखिए जूम करता हूँ और इधर सिक्योरिटी वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो यही वो बिल्डिंग है जिसमें हमारे पवन सिंह जी रहते हैं। तो जो है पांचवें मंजिले पर रहते हैं, तो गिनते हैं सबसे पहले। और ये जो है उधर ऊपर जो है गाड़ी का पार्किंग एरिया है ऊपर, उसके ऊपर जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो आप लोग, वो जो है लोग दिख रहे हैं जहाँ काम करते हुए, वही जो है पाँचवा मंजिला, उसी मंजिले, उसी के साइड में कहीं पर जो है पवन सिंह जी रहते हैं। जब भी वो मुंबई आते हैं तो इसी रूम में रहते हैं। इसके 11वें मंजिले पे जो है पारखी हेगड़े जी रहती हैं। और उधर जो है इनका ऑफिस है, अभी ऑफिस में चल के दिखाएंगे। देखिए इधर से जो हम आए हैं, जैसे आप आओगे बस से तो उधर आगे जो है स्टॉप है, स्टॉप पे आपको उतारेगा। बस वाले को आप लोग बता देना कि जो है हमें जाना है कंट्री क्लब, तो आप लोग को यहीं पर उतार देगा। कंट्री क्लब है और इसके सामने ही जस्ट ये देखिए पवन सिंह जी का जो है बिल्डिंग है ऐसा। देखिए कितना खूबसूरत है ये बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में वो रहते हैं पवन सिंह जी जब भी आते हैं मुंबई। तो दोस्तों, यही आप लोग देख सकते हो, यही जो है पवन सिंह जी का बिल्डिंग है, कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इधर बता रहे हैं लोग अभी 5 से 10 मिनट लगेगा पैदल चलते हुए। तो उनका ऑफिस है यहीं कहीं पर, तो आप लोग को वो भी दिखाते हैं। ऑफिस नहीं है, पहले जो है उसी घर में रहते थे, लेकिन ये अभी जो है इसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो उसको जो है ऑफिस बना दिए हैं। तो चलते हैं आगे, आप लोग को वो भी दिखाते हैं। तो अभी मैं जो है आप लोग को पवन सिंह जी का ऑफिस दिखाने वाला हूं। ये देखिए इधर से हम लोग आते हैं, इधर से ऐसे बस लेके जाएगा आगे, आपको जो है वहां पे छोड़ेगा। तो उधर से हमें ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, जूम करता हूँ, ये जो है बिल्डिंग ये पवन सिंह जी का है। तो उधर से हमें देख करके जो है वापस फिर से हमें उसी रोड पर 300 मीटर इधर आना पड़ेगा। ये सुरेश स्मृति बिल्डिंग है, तो उधर जो है उनका जहाँ पे रहते हैं वो वाला घर है और इधर जो है इनका ऑफिस है। चलते हैं पास में, आप लोग को दिखाते हैं। तो यही वो बिल्डिंग है, हम आ गए हैं एकदम पास में। और ये जो है ए विंग है और सी विंग में रहते हैं वो, अभी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। और इधर देखिए सुरेश स्मृति करके जो है ये बिल्डिंग है। और सारा जो है पेड़ों से घिरा हुआ, अभी दूसरे एंगल पे चलेंगे वहाँ से आप लोग को दिखाएंगे। और ये जो है इस बिल्डिंग का गेट है ऐसा, ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे बिल्डिंगें हैं। और ये है अपना फ्लेश टावर, इसी के जो है इस उस साइड में ये है और इस साइड में जो है इनका ऑफिस है, आप लोग देख सकते हो ऐसा है। और ये पहले उनका घर था, पहले यहीं पर रहते थे। और ये रहा इसका गेट। और अभी मैं आप लोग को जो है दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से जो है काफ़ी क्लियर दिख रहा है सुरेश स्मृति करके ये बिल्डिंग है। और जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, जब भी आओगे आप जो है
तो सुरेश स्मृति बिल्डिंग वगैरह आप पूछ सकते हो। और अगर आप लोग जो है बीरा रोड बस से जाते हो तो पर पर्सन जो है 6 रुपीज़ लगते हैं एक तरफ का, तो ये है अपना टिकट। और जो है एक तरफ का जो है 6 रुपीज़ लगते हैं। तो अभी जो है मैं वहाँ से निकल के आ गया हूँ आगे, और ये है पीछे हमारे बस स्टॉप, यहीं से जो हमें बस लेना पड़ेगा अंधेरी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।